So children, today we start with the new topic of matrices, right? First of all, let's see the definition given in the NCERT book. A matrix is an ordered rectangular array of numbers or complex numbers. ये वाली चीज़ हालांकि NCERT में नहीं लिखी हुई थी, but based on my experience, मैंने यहाँ पे complex numbers भी लिखा है. Or functions, ठीक है? The numbers or functions are called the elements of the entries, ठीक है? Or the entries of the matrix. इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं एग्जैक्टली इस डेफिनेशन का क्या मतलब है. राइट, जैसे आपके पास मैट्रिक्स में क्या होता है कि कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं. ठीक है, यू हैव सम रोज एंड सम कॉलम्स. तो लेट्स से मैंने जनरली क्या होता है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग ड्रॉ करते हैं. दैट इज द स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स. और इसको हम लोग जनरली कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अ मैट्रिक्स ए. राइट, और अगर यहाँ पे हमारे पास m क्रॉस n लगा हुआ है, दैट मीन्स कि इसमें m जो है नंबर ऑफ रोज होंगे, ठीक है, और n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट दे हैव सेड, द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट द रोज. आई होप यू रिमेम्बर दैट. राइट, अगर मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस, व्हाट आर दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज, है ना? तो ये लाइंस कितने होंगे, m लाइंस होंगे. दैट इज व्हाई वी हैव m रोज. और ये जो है दीज दे रिप्रेजेंट द कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस. राइट, तो ये वाले लाइंस कितने होंगे हमारे पास, n वर्टिकल लाइंस होंगे और m हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे. सो दैट इज व्हाई वी से दैट द मैट्रिक्स इज m क्रॉस n. दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर. अभी हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ भी करेंगे, एज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो डेफिनेटली इसको हम लोग एग्जांपल के साथ भी करेंगे. ओके, लेट मी रिपीट दैट. अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे. एरे का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शंस. यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर. आपने बहुत सारे नंबर्स सेट थ्योरी में पढ़ रखे, राइट, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, राइट, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शंस भी हो सकते हैं. यहाँ जो एंट्रीज हैं, दे कैन बी इवन फंक्शंस. द हॉरिजॉन्टल elements are called the rows and the vertical elements are called the columns. Okay, that is the basic definition of matrix. Right? Ab main tumhe bataun, matrix is the singular form, and when you say matrices, that simply means what? That is the plural of matrix. That's the plural of the word matrix. Okay. Now, next thing that we need to understand, halaki isse koi question nahi aane ja raha, but main hamesha ye manta hu, agar tumhe what, why or how pata ho na, to tum hamesha us cheez mein bahut acha karte ho. तुम्हें पता लग गया व्हाट इज मैट्रिक्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वाज द नीड टू स्टडी मैट्रिक्स. राइट, हालांकि ये क्वेश्चन कहीं पूछे नहीं जा रहे, बट यस, फॉर योर नॉलेज आई वुड डेफिनेटली डिस्कस दिस. हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ना शुरू क्यों किया. राइट, तो लेट मी टेल यू, अगर तुम्हारे पास दो सिंपल से लीनियर इक्वेशन है, 2x + 3y = 5, एंड लेट्स से यू हैव अनदर लीनियर इक्वेशन 7x + 7y = 22. और मैं अगर आपको बोलूं, बताओ इसको सॉल्व करके x और y कितना होगा, आई एम श्योर हम लोग आसानी से कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी. व्हाट इज दिस, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, विल बी इजिली एबल टू सॉल्व इट. तो जब इस तरह की इक्वेशंस हमारे पास आगे बढ़ती चली गई मैथमेटिक्स में, राइट, मैट्रिसेस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. राइट, अब ये अपने आप को एज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एस्टैब्लिश कर चुका है. Earlier it was just a topic, ठीक है? हम लोगों ने शुरू क्यों किया था? Because जब हमारे पास ऐसे linear equations मिलने लगे ना, ऐसे linear equations हमें मिलने लगे कि उसमें 5 variables हैं, 6 variables हैं, 10 variables हैं, right? ऐसी इस तरह की complexity real life में आती है जब आपके पास number of variables बहुत ज्यादा होते हैं. तो उन cases में अब इसको manually जैसे हम solve करते रहे, right? चाहे graph से आपने किया हो, right? इसका point of intersection कर देंगे तो graph में मिल जाएगा, राइट, वो भी सोल्यूशन होगा, या फिर हम लोग इसको एलिमिनेट करके कर देंगे. बहुत सारे तरीके हम लोगों ने सीख रखे हैं छोटे क्लासेस में, ठीक है? तो दो तीन वेरिएबल्स तक तो ठीक है, चार पांच भी ठीक है, बट अगर 10 वेरिएबल्स आ गए, 15 वेरिएबल्स आ गए, तो इन दैट केस यूज ऑफ मैट्रिक्स बिकम्स वेरी वेरी हैंडी टू सॉल्व दोज लीनियर इक्वेशंस इन डिफरेंट वेरिएबल्स. बट ध्यान रखना, ओनली लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक नहीं. राइट, वेरिएबल्स अगर बढ़ेंगे तो हम लोग उसको मैट्रिक्स से बहुत इजिली सॉल्व कर लेंगे. राइट, so that was, that is why we started studying matrix. That was the reason for the study of matrix.
बट नाउ अ डेज द यूसेज इज वेरी हाई. कोई भी चीज जब शुरू होती है ना तो किसी एक राइट वी से दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. जब कोई बहुत मुश्किल छोटी सी चीज मुश्किल बन गई तो उसको हमने एक अलग तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया राइट. बट धीरे धीरे उसकी यूसेज बढ़ती चली जाती है. जैसे अभी जो आप देखोगे मैट्रिक्स की यूसेज ये कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा है राइट. कंप्यूटर साइंस के बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हम यहाँ से सॉल्व करते हैं. स्प्रेडशीट्स होते हैं राइट. स्प्रेडशीट्स में भी इसको हम लोग यूज करते हैं राइट. और क्या है जो कॉमर्स के कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मैट्रिक्स से सॉल्व होते हैं राइट. वी हैव वन गर्ल फ्रॉम कॉमर्स आई एम श्योर. देबोलिना आर यू आल्सो फ्रॉम कॉमर्स? देबोलिना इज फ्रॉम कॉमर्स और व्हाट? नो सर शी इज अ पीसीएम स्टूडेंट. पीसीएम दैट इज ओके राइट. सो कंप्यूटर साइंस में स्प्रेडशीट्स में राइट इन सब जगह पे इसकी यूसेज है. कॉमर्स में और भी ऐसे मल्टीपल यूसेज हैं जहां की हम लोग मैट्रिसेस को यूज करते हैं इन रियल टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ठीक है. तो दैट इज द यूसेज दैट वाज द नीड की क्यों हमने पढ़ना शुरू किया ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक. देखो मेरी आदत है कभी भी कुछ भी पढ़ाओ तो पता होना चाहिए कि उस टॉपिक की वेटेज किस एग्जाम में कितनी है. अगर ये चीज हमें पहले से पता होती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं काफी हेल्पफुल होता है. आईआईटी में ऑन एन एवरेज पिछले 3-5 years का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 3% क्वेश्चंस आपके पास स्ट्रेट अवे मैट्रिक्स से आते हैं. अगर मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों को मिक्स कर देता तो ये नंबर जो है वो स्ट्रेट अवे बढ़ के डबल से भी ज्यादा हो जाता है. ये 8% हो जाता है ठीक है. तो 3% इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम मैट्रिक्स. अगर मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों करूंगा तो 8% ठीक है. एनडीए में ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस रहते हैं. यहाँ पे भी अगर मैं डिटरमिनेंट्स भी ऐड कर दूं बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. जैसे जैसे आप इस बारे में सीखोगे आपको पता लगेगा ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिलेटेड है. तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे मैट्रिसेस से होते हैं ठीक है. सीबीएसई और आईएससी में 5% वेटेज है राइट. 5% वेटेज. अभी ये आपका 80 मार्क्स का सीबीएसई का पेपर है और 100 मार्क्स का आईएससी का पेपर है. तो 5% ऑफ द पेपर कम्स डायरेक्टली फ्रॉम मैट्रिसेस ध्यान रखिएगा. तो दैट इज द वेटेज इन डिफरेंट एग्जाम्स राइट. लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज अबाउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस. हालांकि मैंने अभी अभी ये बात बताई भी थी बट फिर भी थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करने के ख्याल से देखते हैं. जैसे इसको हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स एम क्रॉस एन. मैंने आपको बताया जनरली इसको कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं राइट. ए एम क्रॉस एन. व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मींस दैट इट इज अ मैट्रिक्स दैट हैज गॉट एम रोज. ये वाले रोज कितने हैं बेटा? ये वाले रोज आपके पास एम है राइट. एम रोज. और ये कॉलम्स कितने हैं बेटा? आपके पास ये कॉलम्स एन हैं, स्मॉल एन राइट. इस तरीके से जब किसी भी एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखो, यहां मैंने एक जनरल एलिमेंट लिखा है ए आई जे. ए आई जे इज द एलिमेंट विच इज इन द आई एथ रो. किस रो में है? ये आई रो में. और इसका कॉलम क्या है? जे एथ कॉलम. स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में किसी भी मैट्रिक्स ए क्रॉस ए एम क्रॉस एन को कभी अगर हमें, बिकॉज ये काफी बड़ी है ना, दिस सिंबल इज वेरी लार्ज, तो इसको अगर हमें छोटा करके दिखाना है तो हम ऐसे भी लिखते हैं दैट ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन. दैट सिंपली मींस दैट इट इज अ मैट्रिक्स वेयर द आईथ एंड जेथ कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाय एम क्रॉस एन. मतलब यहां पे हमारे पास एम रोज और एन कॉलम्स के हमारे पास मैट्रिसेस होंगे ठीक है. दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर. अब देखो यहां से अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सपोज करो मैंने दो मैट्रिक्स लिए, एक लिया ए और एक लिया बी ठीक है. यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स हैं -1, 4, 2, 3, 2, 1. एक दूसरा मैट्रिक्स लिया मैंने 1, 2, 4, 8 राइट. आई हैव टेकन दीज मैट्रिसेस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दीज मैट्रिसेस राइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने रोज हैं, आई एम श्योर यू विल से देयर आर 2 रोज. कितने कॉलम्स हैं? 3. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं पूछूं ऑर्डर कितना है, तो डेफिनेटली जो हमारा मैट्रिक्स ए है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज व्हाट? इट इज 2 क्रॉस 3. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 2 क्रॉस 2. इफ आई आस्क यू हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर और आई आस्क यू हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. If I say elements or I say entries, तो ध्यान रखना बेटा जितने हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? We have 6 elements here.
यहाँ हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? We have four elements here. या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, I have four entries in matrix B and I have six entries in matrix A. I can say entries, I can say elements. तो number of elements से is it possible to say what is the order of the matrix? अगर हमें ये पता लग जाता कि there are six entries in a particular matrix, are we in a state to say what is the order of the matrix? Yes or no, boys? Boys and girls, if you know that the total number of entries in a matrix is six, right? Total entries कितने हैं? Six हैं. और आपसे बोला गया बताओ इसका. सारे हो सकते हैं. तो हम order guess कर सकते हैं, but we cannot be sure about it. We can say it is 1x6. We can say it is 6x1. We can say it is 2x3. Or we can also say it is 3x2. The first one represents, हाँ, इसमें भी छह एंट्री है. क्या मतलब है? इसमें हमारे पास एक रो है और सिक्स कॉलम्स हैं. यहाँ पे हमारे पास सिक्स रोज हैं और एक कॉलम है. यहाँ हमारे पास दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं. सिमिलरली तीन रोज हैं और दो कॉलम्स हैं. तो नंबर ऑफ एंट्रीज से ये बताना सर्टेन नहीं है कि वट इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स. बट यस, वाइस वर्सा इज पॉसिबल. इफ वी नो द ऑर्डर, वी कैन सर्टेनली से वट इज द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज. राइट, एम क्रॉस एन विल ऑलवेज गिव अस द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज. सो आई होप यू अंडरस्टैंड the relation between order of a matrix and the number of elements. Either you call it number of elements, ye jo ek element hai usko kya bolte hain? Element bolte hain ya fir entry bolte hain. Theek hai, so we have learned about the number of elements and the number of entries. Is it okay, children? Theek hai, bilkul basic level se hum logo ne is topic ko start kiya, the most elementary thing. See, this is one topic that you have never studied, right? Class 12th mein ye pehli baar introduce ho raha hai. और बहुत इजी है, राइट? इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, 5 मार्क्स के 6 मार्क्स के, जो हमारे बोर्ड में आते हैं या फिर किसी कंपटीशन में भी आते हैं, राइट? तो वहां पे आप देखोगे इसमें कुछ खास नहीं है. ऑल इट रिक्वायर्स इज गुड कैलकुलेशन, दैट्स ऑल. इफ यू आर गुड विद कैलकुलेशन. सर, 10th में था ये. आईएससी बोर्ड में होगा बेटा. 10th में था ये हमारे. हाँ, आईएससी बोर्ड में होगा. यू आर करेक्ट, राइट? आईएससी बोर्ड में इट मस्ट बी देयर. बट सीबीएसई वाले बच्चे जो है ये इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. ओके, ऑल राइट. तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में देखा, नंबर ऑफ एंट्रीज के बारे में देखा, राइट? आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा, राइट? हमारे पास, बिकॉज़ देखो, कोई भी चीज जब आप पढ़ोगे ना, अगर आप उसको एग्जांपल से करते चलो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहती है. ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जो लोग पहले से क्लास कर रहे हैं कि मैं हमेशा कोई भी चीज पढ़ाता हूँ, इमीडिएटली उसका एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट? अब एक पहला एग्जाम्पल हमने लिया, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, राइट? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस. And that is how you will proceed. देखो बेटा, आप देख लो, इस तरह के questions आपके पास board में भी आते हैं. Generally ये 1 mark question में board में पूछते हैं. ध्यान से सुनना. Generally ये question जब board में पूछते हैं तो 1 mark question होता है. Easy है, सब लोग कर सकते हैं. लेकिन फिर भी as a examiner मैंने देखा है, मैं CBSE में examiner रह चुका हूँ, वहाँ मैंने देखा है बच्चे यहाँ पे भी इस तरह के easy question में भी silly mistakes करके आते हैं. तो मैं यहाँ पे तुम्हें, मैंने ये question यहाँ पे इसलिए लिखा है because my purpose is very clear कि silly mistake का scope तुम्हें छोड़ना नहीं है. और वो कैसे आप स्कोप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. सी, यू व्हेनेवर यू हैव टू मेक 12, यू ट्राई टू मेक इट इन अ वे सो दैट एक तरफ इंक्रीज होगा, एक तरफ डिक्रीज होगा. ऑलवेज मूव इन अ सीक्वेंस. जैसे मैं 1 से शुरू करूंगा, ठीक है? द स्मॉलेस्ट थिंग व्हिच इज पॉसिबल इज 1 एंड द लार्जेस्ट थिंग व्हिच इज पॉसिबल इज 12. और फिर मैं ग्रेजुअली मूव करूंगा, रैंडमली नहीं. मतलब फिर मैं 1 से 2 पे आऊंगा, 2 हो गया तो ये क्या हो गया, 6 हो गया. फिर मैं 2 से 3 पे आऊंगा, क्या 3 पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है. अब मैं 4 पे आऊंगा, ठीक है, 4 के साथ क्या, 3. फिर मैं और आगे बढ़ूंगा, और आगे क्या 5 होगा क्या? नहीं, 5 इंटू नथिंग इज इक्वल टू 12, तो 5 तो हो ही नहीं सकता. 6 होगा क्या? हाँ होगा, 6 इंटू 12, और फिर 12 इंटू 1. तो समझने की बात ये थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, बट फिर भी यहाँ पे मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको, आपका फोकस इधर लेके आए, बिकॉज यहाँ पे मैंने सिली मिस्टेक्स करते हुए बच्चों को देखा है. अब आप अगर रैंडमली इसमें मूव करोगे ना, तो आपसे हो सकता है यू रीकाउंट समथिंग और यू मिस आउट विद समथिंग. आपके पास टोटल हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. देयर आर 6 ऑर्डर्स व्हिच आर पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ एंट्रीज और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12. नाउ एट द सेम मोमेंट आई वुड लाइक टू थ्रो अ क्वेश्चन फॉर यू. लेट मी सी हु डज इट फर्स्ट. इफ द नंबर ऑफ एंट्रीज, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डोंट यूज द माइक, ओके? इट विल बी वेरी tough for me to listen to all of you. Use the chat box. If you have 12 elements,
in a matrix, what are the possible orders, or how many possible orders are there? Just tell me the numbers. How many possible orders are there? Over the chat box, fast. 12 or 24. Using the mic was not allowed. It is 24. It is 24. 12 तो मैंने कर दिया ना. It was done. वो easy question था. आपके level का नहीं था. ये थोड़ा सा ठीक है. I make sure that आपके level का question ही मैं आपको दूँ. जो easy होता है वो मैं कर देता हूँ. No responses till now. 24 में कितने possible orders हैं? How many orders are possible? Okay, I've got one response. 8. Shreyansh has given me 8. Anyone else? How many orders are possible? Eight, Aditya. Dhruv, 8. Shishir, 8. Oh my God. Now it is flooded. Everyone is typing it. Okay, that is okay. I hope aap sabne kar liya hoga, but fir bhi main isko discuss karunga. Theek hai? Maine ye kaha ki ek direction mein move karo. 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8. Dhyan se dekhna main kaise batane ki koshish kar raha hu. 4 into 6. Aage 5 to aayega nahi, 6 aayega. Beta, main ye kahunga yahi pe ruk jao. Right? Ab actually jab aap aage badhoge na to yahi wali cheez repeat hogi. 6 into 4, 8 into 3, 12 into 2, 24. तो यहां पे तुम्हारे पास अगर 4 आ गया तो आंसर कितना हो गया? 4 2 8. तो इस तरीके से आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम काम कर सकते हो. ठीक है, अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी आई एम श्योर आपको तो भी परेशानी नहीं होगी. अगर मैं बोल दूं दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज, हालांकि इतने बड़े नंबर्स बोर्ड में नहीं आते लेकिन आप कॉम्पिटिशन्स में वो कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपके पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट 72 है तो बताओ कितने हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स हैं. ठीक है, तो बताओ जरा. Let's see who does it first again. If the number of entries is 72, how many possible orders are there? 8 is correct for the previous one. Most of you have done it correctly. In fact, all of you have done it correctly. And that was easy. I'm sure you got that method. The point is, now if the number of elements is 72, what are the possible orders? Ab kitne orders possible hain when it is 72? Okay, I've got one answer. Two answers and different answers. Anshuman says 12. Debolina says 10. Dhruv says 10. Samriddhi says 10. So at least one of you is wrong. Salman says 14. Oh, great. Now this is interesting. ये बढ़िया है. अलग-अलग answers आते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है. पता लगता है कि यहाँ देखते हैं किसमें कितनी गहराई है. चलो देखो. I'll discuss this. So when you have 72, right? Listen very carefully. You can match your approach, right? When it is 72, I'll start with 1. ध्यान से देखो अब मैं कितना fast करने की कोशिश कर रहा हूँ. क्योंकि इतने बड़े numbers board में नहीं आते. ठीक है, अगर आ भी जाए तो तुम्हारे लिए tension नहीं होनी चाहिए. सिर्फ ये देखो किससे multiply होना है, right? 1, 2, 3, 4. आगे 5 आएगा? नहीं आएगा. 6 आएगा? नहीं आएगा. 7 आएगा? नहीं आएगा. 8 से जाएगा? जाएगा. 9 से जाएगा? जाएगा. 10 से? नहीं. 11 से? नहीं. 12 से? Yes. बात समझ रहे हो ना? ठीक है, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ इधर मेरे पास कौन से नंबर. मैं एक्चुअली क्या देख रहा हूँ, मैं इसके डिवाइजर्स देख रहा हूँ. द फास्टेस्ट वे टू डील विद दिस क्वेश्चंस. 1, 2, 3. 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है. अब अगर तुम लिखना चाहो तुम लिख सकते हो 1 into 72, 2 into 36, राइट? बट मैं इसमें देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉर दैट. ठीक है, मैं स्ट्रेट अवे मैं ऐसे 12 तक जा रहा हूँ. 12 से आगे 13, 14, 15, 16, 16 से भी नहीं, राइट? और 18 से जाएगा, राइट? उसके बाद फिर 18 से जाएगा. ठीक है, अगर मैं इस 72 को थोड़ा और इजी करके लिख लेता तो बहुत अच्छा होता. जैसे मैं इसको लिख सकता था 2³ × 3² राइट? 8 9 = 72. द मोमेंट आई राइट दैट थिंग्स बिकम इवन इजियर फॉर मी. सो व्हेन आई गेट 18 तक तो आ गया, राइट? अब 18 के आगे अगला नंबर क्या आने वाला है मेरे पास? अब मैं देखता हूँ 4 के साथ सारे कॉम्बिनेशन बन गए क्या? 4 3 = 12 भी हो गया. 4 9 के बाद फिर हमारे पास 36 होने वाला है, राइट? तो 8 3 = 24, राइट? 8 3 = 24 भी जाएगा, है ना? तो डेफिनेटली आपका आंसर कहीं पीछे छूट गया बेटा, राइट? आपने जो भी आंसर्स दिए थे डेफिनेटली वो पीछे छूट गया. 24 पे हम लोग पहुंच गए. ओके, अभी और क्या हो सकता है हमारे पास? 4 × 9. 4 × 9 = 36. देयर इज 36, राइट? और 36 के बाद अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास 72 आता है. So, how many do you have?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I'm getting in all, I'm getting 12, right? So 12 mere paas ye mile to mera answer isme hona chahiye. 12 twos are 24. So 24 orders are possible, children. Let me see anyone who, if you have given the answer correctly. Anyone? Most of you have said 12. No, beta, 12 is wrong. Right? ठीक है, 12 हालांकि सही है, इसलिए सही है बिकॉज अल्टीमेटली फिर मैं इसको 72 into 1 ही तो लिखूंगा, बिल्कुल सही है, राइट? तो 12 ही सही है. इसका एक और तुम्हें मैं डायरेक्ट मेथड बता देता हूं. अगर तुम्हारे पास ये 72 की जगह 720 भी आ जाए ना, तो ये वाला मेथड फेल हो जाएगा बच्चों, ठीक है? ये वाला मेथड वहां पे फेल हो जाएगा. अब तुम अगर ऐसे करने लगोगे, इट विल फेल, ठीक है? तो मैं तुम्हें इसका स्ट्रेट मेथड बता देता हूँ, दैट विल हेल्प यू टू गेट ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है? आपको करना ये है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करके और फिर थोड़ा क्लियर करके आपको बता देता हूँ, सो दैट यू टेक इट डाउन, ठीक है? तो अपने नोटबुक में इसको तुम ध्यान से लिख लेना, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट इन डीलिंग विथ एनी लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी, ठीक है? किसी भी लेवल के क्वेश्चन को, इस कैटेगरी के क्वेश्चन को तुम बहुत आसानी से कैसे करोगे, ध्यान से देखो. जैसे मैंने तुम्हें अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए, मैंने 6 लिया था, फिर शायद मैंने और क्या लिया था, 24 लिया था, शायद 12 लिया था, उसके बाद फिर हमने 24 लिया, फिर हमने 72 लिया, और फिर हम 720 आपसे पूछ रहे हैं. ध्यान से देखना बेटो, मैं 720 के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है? और इन सब पे अप्लाई करके चेक कर लेंगे, बिकॉज इन सब का आंसर हमने अभी भी निकाला है बिल्कुल बेसिक मेथड से, ठीक है? तो मैं 720 के लिए अप्लाई करता हूँ और ऊपर वाले पे हम चेक करेंगे whether it is working well or not, ठीक है? So the technique is you represent this number in the form of prime factors, right? जैसे मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो ये 2 cube into 2, 2 raised to 4 होगा, 3 square होगा और 5 होगा, ठीक है? आई एम श्योर आप अपने अपने तरीके से ये करना जानते हो. मैंने स्ट्रेट अवे किया, राइट? आप ऐसे करते हो ना, 2 से डिवाइड करोगे, 360, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे, 5 से करोगे, तो ये सब आप करते रहना, राइट? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट, ठीक है? ये बेसिक 4th-5th क्लास की चीजें हैं, प्राइम फैक्टर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अगर इसमें परेशानी है तो अभी क्लास के बाद रुक जाना, मैं वो भी सिखा दूंगा कैसे डायरेक्टली करते हैं, ठीक है? ये मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ. कितना हो गया ये, 2 raised to 4, 3 raised to 2, and 5 raised to 1, right? That is the value. अब मुझे अगर बताना है कि बताओ इसमें कितने orders possible हैं, the answer straight away is 5 into 3 into 2. 5 क्यों किया? 4 था, एक बढ़ाया, 2 था, एक बढ़ाया, 1 था, एक बढ़ाया, multiply करके लिख दिया, that is going to be the answer. The answer should be what? 13. Now let us see. हम इसको apply करके देखेंगे. अगर ऊपर वाले पे apply हो रहा है, answer सही आ रहा है, तो सही है, otherwise गलत है, ठीक है? तो हमने prime factors में इसको represent किया बेटा. This is 2 cube into 3 square, ठीक है? 2 cube into 3 square. तो इसके number of orders कितने आएंगे? एक बढ़ाया 4, एक बढ़ाया 3. The order is coming out to be 12. Was that the answer? I think. 24, 2 cube into 3. एक बढ़ाया 4, यहाँ पे एक बढ़ाया 2. The answer was 8. I think so. 12, that is 2 square into 3. एक बढ़ाया 3, एक बढ़ाया 2. 6. Was that the answer? I think so. 2 into 3. The power, right? Power ko ek increase kar rahe hain. 1 plus 1, 2 into 2. The order was 4. So, kitne orders possible hain? Ye hum log chahe number ab duniya ka kitna hi bada number de de, ab hame koi tension nahi hai. We know the shortcut. We know the technique to deal with these kind of questions. Can I see the hands of the people who have understood this? Let me see the hands of the people fast. Quickly. Anyone who want me to repeat that? Anyone who want me to repeat that? Shall I repeat? Or that's fine? Sir, repeat once. Repeat once. Fine. No issues. I'll just give you a question in order to repeat so that others can solve that. Right? Let's see. Let's say we have to find what are the possible orders. Right? Kitne possible orders hain? How many possible orders are there if the total number of elements in a matrix is 240, right? If the total number of elements in a matrix is 240, how many possible orders are there? Jin logon ko samajh mein aa gaya, bahut achhi baat hai. Jinko samajh mein nahi aaya, dhyan se dekho. Beta, step one, inko prime factors mein represent karo. Prime factors samajhte ho na?
टू थ्री और फाइव के कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे अगर मैं इसको देख रहा हूँ ये 24 है, देयर इज टू क्यूब और यहाँ पे एक टू है, तो ये हो गया टू के पार फोर। एक सिंगल थ्री है और एक हमारे पास फाइव है। तो दिस इज स्टेप वन। आप जैसे ही आपने ये रिप्रेजेंट कर लिया, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर प्राची, ऐसे तो कर लोगे ना, दिस स्टेप इज फाइन। यस सर। राइट, जैसे ही आपने ये रिप्रेजेंट कर लिया बेटा, उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो इसके इंडेक्सेस हैं यानी जो पार्स हैं उनको उसमें वन ऐड करो। फोर प्लस वन फाइव, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, दैट इज द आंसर। कितना हो गया? 20। सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन मी रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स, आई एम श्योर आप सबने 20 दिया होगा। वेरी गुड, दैट्स फाइन। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। So that is really easy and important. ठीक है, अब तुम्हें दुनिया के किसी भी नंबर के लिए how many possible orders निकालना आता है, और that too may be the fastest way. Okay? Coming to the next example of the basic type. Now, if A is a matrix Aij, मैंने तुम्हें कहा था कि किसी भी matrix को represent करने का एक जो basic तरीका होता है क्या होता है, Aij. ठीक है, is a matrix given by this. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है, this is 3x4, right? Three rows and four columns. How many columns do we have here? We have four columns. बहुत basic question है, RD Sharma के solved examples में से मैंने pick किया था, right? बिल्कुल basic level से लेके चल रहे हैं और जैसे हम लोग आगे तक जाते हैं वहां तक जाएंगे। Write the order of A. That's very easy. What is the order of A? It is 3x4. That is the order. Very easy, right? First part. Order of A is nothing but 3x4. Find the elements A24, right? A24. That means second row fourth column, second row fourth column. I hope you understand it is 6. A34 is nothing but third row and fourth column, third row and fourth column. I hope even that is very clear. It is -25. Okay, then they have also asked prove, show that A32 is equal to A23 A21. Okay, no problem. A32 yani ki third row and second column, they're talking of 15. A32 is nothing but 15. A23, okay, A23, yani ki second row and third column, that is coming out to be 9. A24, that means second row and fourth column, that is coming out to be 6. So 15 is equal to 9 plus 6. Yes, it is true. So that was again a very basic question just to improve your understanding of this basic topic. I hope that is fine. Right? Ye sab kuch basic cheeze thi jo humne abhi tak seekhi hain. It's time to move to learn another basic thing about the types of matrices. आज की क्लास में हम बिल्कुल जो first exercise है, बहुत ही basic exercise है, हालांकि हमने थोड़ा सा आगे की चीजें कर ही ली हैं, कि अगर competition में भी कुछ हो जाए तो क्या करोगे, but ये जो अब जो चीजें हैं ये hardcore board के लिए ही important है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की definitions या फिर कोई example आपसे कभी भी किसी competition में पूछते हैं, but yes, board के लिए they are important, it is important. तो बहुत ध्यान से सुनना, easy है और बस ध्यान रखने वाली बात है, उसको भी सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे। राइट, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। राइट, अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है, A11, A12, A13, A14, ... A1n। अगर मैं इस मैट्रिक्स A की बात कर रहा हूं तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 1x n। राइट, इसमें कितने रोज हैं, सिर्फ एक रो है, कॉलम्स कितने हैं, n कॉलम्स हैं। इस तरह के जो मैट्रिक्सेस होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स होता है। राइट, सपोज कर लो एक हमारे पास मैट्रिक्स B है, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये बात तो ध्यान रखना, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स B है और हमें कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल चाहिए, इसमें एक ही सिंगल कॉलम होगा, दैट मींस हमारे पास यहाँ पे A11, राइट, A21 बिकॉज इट इज द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A31 एंड सो ऑन, A n क्रॉस n, बल्कि ये हमें क्या लिखना चाहिए था, An1। राइट, तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, n x 1, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल। अगर एक सिंगल कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स है, सिंगल रो है तो रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। राइट, अ मैट्रिक्स इन व्हिच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। दस m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन m इज इक्वल टू n। राइट, इज नोन एज
a matrix of order n. Square matrix को हम n cross n बोलने की जगह क्या बोलते हैं? It is a matrix of the order n. ठीक है? So that is square matrix. I hope that is easy and understood to all of you. Next type is your diagonal matrix. ठीक है? Diagonal matrix क्या होता है बेटा? अब ये भी एक square matrix ही होता है. इसमें क्या होता है? कि square matrix ही होता है. यानी कि number of rows और number of columns इसमें equally होंगे. Right? A 11, A 12. A 13, राइट ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल देख लेने से क्या होता है ना कि वो वाली चीज थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रिटेन होती है. ठीक है, इसीलिए मैं जनरली आपको हमेशा एग्जाम्पल साथ के साथ कराने की कोशिश करता हूँ. तो मैंने ये एक 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया. ठीक है, अब ये डायगनल मैट्रिक्स तब होगा बेटा जब इसमें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं डायगनल, राइट, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगनल. इसको प्रिंसिपल डायगनल भी कहते हैं. ठीक है, तो डायगनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें ये एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और बाकी सब के सब ये सब जीरो होंगे. ऑल ऑफ देम वुड बी जीरो, ऑल ऑफ देम वुड बी जीरो. क्या बोलेंगे इसको? डायगनल मैट्रिक्स. ठीक है, देखो डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन भी पढ़ लो एक बार. अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ए आई जे इज सेड टू बी अ डायगनल मैट्रिक्स इफ ऑल द नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो. दैट इज अ मैट्रिक्स बी ए आई जे इज सेड टू बी अ डायगनल मैट्रिक्स if bij is equal to 0 when I is not equal to j. ab samajhne ki baat hai ki diagonal matrix mein every time the number of row and the column that is always equal, right? Second row, second column, third row, third column. So whenever I is not equal to j then that element would be equal to what? 0. ab ye sab representation dhyan rakhna kyunki kai bar school level ke exams mein is tarah ki representation ki importance hoti hai aur acche bacche kai bar usko miss kar, jinka focus sirf competition pe hota hai wo in basic baaton kahin na kahin miss kar dete hain. ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब बहुत बेसिक इजी बातें हैं. आगे हमारे पास है डायगनल मैट्रिक्स. अब उसमें ये स्केलर मैट्रिक्स आ गया, राइट. अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? स्केलर मैट्रिक्स अगेन आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है. या वहां पे ये जो एलिमेंट्स हैं आपके A11, A22, A33 ये एलिमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, राइट. तो आपका ये जो डायगनल मैट्रिक्स है, इवन दिस डायगनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल. The next is your identity matrix. Identity matrix अब क्या हो गया? ये जो elements हैं diagonal matrix के, ठीक है? ये सारे के सारे one हो जाते हैं, तो उसको हम लोग identity matrix कहते हैं. This is generally represented by I. ठीक है? मैं इसको थोड़ा summarize कर देता हूँ आपके लिए. देखो, बहुत easy है. अगर तुम ऐसे तो इतनी सारी चीजें अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा confusing हो जाता है. मैं थोड़ा तुम्हारे लिए easy करने की कोशिश करता हूँ. ध्यान से देखना, right? ये आपका सबसे जो छोटा है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, इसमें ये क्या है? ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगनल एलिमेंट्स पे वन है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो है. दैट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डायगनल मैट्रिक्स, राइट. अब डायगनल मैट्रिक्स में क्या था, राइट, डायगनल में, अच्छा डायगनल मैट्रिक्स से पहले हमारे पास एक और भी था ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले एक और हमारे पास था स्केलर मैट्रिक्स था, राइट. तो स्केलर मैट्रिक्स भी ले लो, राइट. यहाँ पे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसके ऊपर हम लोग डायगनल मैट्रिक्स ले लेंगे. ठीक है, दिस इज योर डायगनल मैट्रिक्स. ठीक है, तुम चाहो तो इसको अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, दैट इज योर चॉइस. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स. और डायगनल मैट्रिक्स इससे ऊपर कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका सबसेट, इसका सुपरसेट कौन सा होगा? इसका सुपरसेट होगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो देखा जाए, चाहे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं, स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं, डायगनल मैट्रिक्स की बात करूं, ये सब के सब हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, राइट. और ये तीनों डायगनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों क्या है? डायगनल मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बचपन वाली बातें आप यहाँ पे कह सकते हो क्या? दैट ऑल द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स बट ऑल द स्केलर मैट्रिक्स आर नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट. जब हमारे पास डायगनल में एलिमेंट्स होंगे बाकी सब जीरो होंगे तो उसको हम बोलेंगे डायगनल मैट्रिक्स. जब हमारे पास डायगनल के सारे एलिमेंट्स सेम होंगे तो हम उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स. और जब हमारे पास डायगनल के सारे एलिमेंट्स वन होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें ध्यान रहेगा ये सब के सब क्या है? तुम्हारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही है बेटा. ठीक है, इससे पहले तुमने और कौन कौन से मैट्रिक्स पढ़े? इसके पहले आपने ये पढ़ा स्क्वायर में कॉलम और रो मैट्रिक्स. ठीक है, दैट वाज वेरी इजी. तो इस तरीके से तुम्हें ये ध्यान रहेगा. ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन रिमेम्बर दैट. ओके,
आगे देखते हैं नल मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स कोई सा भी ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, राइट। जैसे ये एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। क्या नल मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है? नो, नॉट एट ऑल, राइट। नल मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, राइट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओ से, कैपिटल ओ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दिस व्हाट कॉल्ड, दिस कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी अभी आगे हम लोग यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी, ये चीजें भी आपको अभी काम आएंगी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैंने क्या बताया था बेटा, कैपिटल आई बताया था, ठीक है। और ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये भी मैंने बात बताई आपको, ठीक है। ये कैसा भी हो सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, ओके। नाउ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट आरडी शर्मा में दे रखा है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा, इसको भी देख लो, राइट। व्हेन वी आर स्टडीइंग अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो आइए इसको भी देखते हैं, लेट अस सी अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ डिफरेंट नहीं होते, इसमें क्या होता है, आपके ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, इवन दीज आर स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। जैसे एग्जांपल ले दो, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 0, 8, 9, 10, that should have been 0, 0, 0, 0, 11. अगर तुम थोड़ा सा दिमाग से लगाओ, हालांकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल इतनी है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब कभी भी डायगोनल और उसके ऊपर के एलिमेंट्स हमारे पास नॉन जीरो हैं, और डायगोनल और उसके नीचे वाले, बल्कि डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, तो हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं बेटा। ठीक इसका वाइस वर्सा, अगर हमारे पास डायगोनल और उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, राइट, बल्कि तुम ये उसका वाइस वर्सा कह लो कि अगर मेरे पास डायगोनल के ऊपर वाले सारे के सारे जीरो होंगे, तो हमारे पास वो कौन सा ट्रायंगल, कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और लोअर ट्रायंगुलर का भी एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हमने 4x4 लिया था, यहाँ 3x3 ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया 1, 0, 0, 3x3 का मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, और इसका हम लोअर ट्रायंगुलर बना रहे हैं, ओके। दिस इज 2, 3, 0, 4, 5, 6। तो डायगोनल और उसके नीचे के एलिमेंट्स हमारे पास नॉन जीरो हैं, और डायगोनल के ऊपर वाले सब के सब जीरो हैं। क्या यहाँ पे जीरो पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है, बट यहाँ पे कुछ भी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा है? दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा ये जो तुम्हारे अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हैं, ये भी कहीं ना कहीं कौन से हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, कंपल्सरीली दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, देयर नथिंग एल्स बट द एग्जांपल्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग्स, राइट। आर दे इंपॉर्टेंट? यस दे आर इंपॉर्टेंट। क्या इनको याद रखना पड़ेगा? याद रखने की कोशिश मत करो, क्वेश्चंस करो, अपने आप याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट इजी थिंग आई वुड से दैट इज देयर दैट वी नीड टू स्टडी राइट नाउ इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ रखी है, मोस्ट ऑफ यू हैव डन द टॉपिक ऑफ सेट थ्योरी, राइट। सेट थ्योरी में मैं स्क्रीन बेटा इरेज कर रहा हूँ, इन केस यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट और इफ यू हैव रिटन तो लिख लेना, राइट। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, फिर से इस बात को शेयर करूंगा। सम ऑफ यू आर इन द हैबिट ऑफ लाइंग डाउन इन द बेड और फिर आराम से बैठ के ऐसे तुम देखते हो स्क्रीन पे, राइट, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। जिस तरीके से आप क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप वैसे ही पढ़ेंगे तो इन क्लासेस की इफेक्टिवनेस आपको उतनी ही मिलेगी जितनी क्लास की होती है, राइट, जब आप फिजिकल क्लासेस ले रहे होते हो तो, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर विद योर लैपटॉप और मोबाइल फोन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द टेबल एंड अलॉन्ग विद अ पेन एंड प्रॉपर नोटबुक, है ना, ढंग से प्रॉपरली पढ़ने के जेस्चर में बैठोगे तो पढ़ाई अच्छी होगी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस। काम कई लोग करते हैं, बट कुछ लोग कम समय में ज्यादा इफेक्टिव काम करते हैं, क्योंकि इनका काम करने का तरीका अलग होता है और अच्छा होता है। तो ध्यान रखो, अगर तुम्हारा तरीका सही है तो इफेक्टिवनेस तुम्हें ज्यादा मिलेगी, आउटपुट ज्यादा मिलेगा, ओके। मूविंग टू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आइए देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है। टू मैट्रिक्स
टू मैट्रिसेस ए आई जे. अब आपको पता है ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है ना, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ये एलिमेंट आई एथ और जे एथ है. बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. दो कंडीशन है. पहली चीज क्या है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए. सेकेंड कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी ओनली देन. जैसे अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखे हैं, राइट, उसका मैं ए टू थ्री एक एलिमेंट ले रहा हूँ और दूसरे का बी टू थ्री एक एलिमेंट ले रहा हूँ, तो ये जो एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का विच कम्स फ्रॉम द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, बी के सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट के एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए. करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एट द सेम पोजिशन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में देयर आर जस्ट टू थिंग्स. नंबर वन, द ऑर्डर इज सेम, एंड नंबर टू, दैट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दे आर एग्जैक्टली इक्वल. ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, दैट इज इजी. नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, राइट. वी हैव क्लोज टू 10 मिनट्स एंड वी कैन इजीली सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस. आइए कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं. दिस इज, मैं जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, मैं अपनी क्लासेस में आरडी शर्मा सॉल्व कराता हूं, ठीक है, और बट मैंने ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं किया है. आप अपने लेवल पे किसी भी बुक को, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, जो भी बुक आप यूज करना चाहते हो, यू कैन यूज, राइट. मैं आरडी शर्मा के सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व कराता हूं विद डाउट्स, राइट. सैटरडे को हमारा एक स्पेशल सेशन होता है जिसमें बच्चे कहीं से भी फिर और भी डाउट पूछते हैं, ठीक है. तो स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स दैट्स अ थिंग दैट यू शुड नो कि हम यहाँ पे आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करते हैं, बट आप क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हो, राइट. बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये बच्चे तो कहीं कहीं से भी डाउट लेके आते हैं, अलग अलग स्टडी मटेरियल से भी डाउट पूछते रहते हैं मेरे से, वेबसाइट से निकाल के लाते हैं, परेशान कर देते हैं मुझे, बट दैट इज ओके, आई लव दैट, राइट. सो बट देन मैंने अभी अभी ये रूल आपको लास्ट टाइम अनाउंस कर दिया था कि मंडे से लेके फ्राइडे तक विल मेक श्योर कि हम लोग बोर्ड लेवल के डाउट्स ही कर रहे हैं, बोर्ड लेवल क्वेश्चंस और बोर्ड लेवल डाउट्स कर रहे हैं. जो भी आपके कॉम्पिटिशन लेवल के डाउट्स हैं उसके लिए हमने सैटरडे फिक्स किया है. अगर ज्यादा होंगे तो आई डोंट माइंड इवन वर्किंग ऑन संडे, दैट इज ओके, ठीक है. सो लेट अस सी दीस क्वेश्चंस नाउ. आइए देखते हैं, लेट सी हमारे पास क्या बेसिक क्वेश्चंस हैं. इजी एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से तुम सब लोग इसको कर लोगे, ठीक है. मैंने इसकी सैंड कॉपी आपके ऑफिशियल ग्रुप पे भेज दी है ऑलरेडी. हमेशा मैं आपको कराने से पहले एक्सरसाइज भेज देता हूँ, अज्यूमिंग दैट जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए यूजफुल होनी चाहिए. So the first question, if a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? Or what if it has 5 elements? Right? So it's very easy question, right? I'm sure aise humne behtar questions kar liye hain, but fir bhi dekh lo, NCERT ka question hai, you know? It's a NCERT question. So 8 elements hain, right? Agar 8 elements hain, maine ab dekho yahan pe inhone ye bola ki ye nahi pucha ki kitne possible orders hain. Inhone bola what are the possible orders, hai na? जब व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स पूछेंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एंट्रीज कम होंगी, बिकॉज़ अगर ये बोल दें कि भाई नंबर ऑफ एंट्री 720 है, बताओ व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, पागल ही हो जाएंगे यार करते करते, ठीक है. तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे उसमें. फिर आपसे ये पूछेंगे हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर, ठीक है. तो उसका शॉर्टकट मैंने आपको पहले बता दिया. तो अगर 8 है बेटा तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो आप लोग अभी तक प्रो हो चुके हो, यू पीपल आर प्रो नाउ, राइट. इस तरह के क्वेश्चंस को तो आप उड़ाना जान चुके हो, 4x2 and 8x1. सो डेफिनेटली व्हाट इज द आंसर, 4 orders are there and these are the orders, right. Now they are saying what if the number of elements is 5. So if the number of element is 5, no problem, it is 1 into 5 and 5 into 1, right. There are two possible orders, 1 row 5 columns 5 rows 1 column. Okay, that was a very easy question. Second one, kya keh rahe hai, a I j is these values. Okay, theek hai, एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पे ए आई जे, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का है. बी, ये हमारे पास 3x2 का है, 3 rows and 2 columns. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 22 and b 21. कोई टेंशन ही नहीं है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. ए 22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं. b 21 का मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज इक्वल टू -3. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, दैट इज कमिंग आउट टू बी +1, ठीक है. सो दैट्स इजी अगेन. नाउ दिस वन, a 11 b 11, राइट. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए मैं ज्यादा बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, राइट. जो लोग पहले कर चुके हैं डेफिनेटली उनको ये थोड़ा इजी लगेगा, सो वेट, राइट. क्लासेस का लेवल हमेशा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, बट आई एम श्योर दोज हु हैव बीन अटेंडिंग क्लास इवन फॉर 1 week, दे नो दैट वी गो टू एनी लेवल, राइट. तो
देखते हैं पहले बेसिक ही पहले सीख ले ढंग से. A11, B11, A11 कितना है बेटा? A11 is 2, B11 is again 2, so 2 into 2, right? Plus A22. What is the value of A22? That is 4. A22 is 4 into B22. B22 is again 4. ठीक है? तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 plus 16, so the answer should be 20. That should be your answer. ठीक है? इसका आंसर 1 और इसका आंसर 20. I hope वैसे ही होगा, right? आपको मैंने ऑलरेडी आंसर्स और आपके ऑफिशियल ग्रुप पे भेज दिया था. इफ यू वांट यू कैन चेक दैट. दैट इज 1 एंड 20. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है बच्चों, आइए आगे क्या कह रहे हैं. लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4. मतलब टोटल कितने एंट्रीज होंगी? 12 एंट्रीज होंगी, 12 एलिमेंट्स होंगे. R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो ऑफ element of matrix A and C2 represents the second column. Determine the order of matrices R1 and C2, right? R1 और C2 का हमसे order पूछ रहे हैं. तो भाई कोई problem ही नहीं है ना. R1 क्या है? First row है. ठीक है, अगर first row है बेटा तो इस first row में हमारे पास कितने elements होंगे? It's 3x4, यानी कि हमारे पास 4 elements होंगे, right? We'll have 4 elements. तो जब ये फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, इसका ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होने वाला है? 1x4. व्हाई? रोज तो एक ही है लेकिन कॉलम तो चार होंगे ना. सिमिलरली जब ये कॉलम 2 की बात कर रहे हैं, अब कॉलम 2 की जब ये बात करेंगे तो इसमें कॉलम तो एक ही होगा, बट रो कितने होंगे? डेफिनेटली 3. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट? इट शुड बी व्हाट? 3x1. सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज 1x4 एंड 3x1. लेट मी सी द हैंड्स ऑफ द पीपल हु अंडरस्टैंड द थर्ड क्वेश्चन. Fast. Show me your hands fast. Repeat कर दीजिए, समझ नहीं आया. Repeat कर दीजिए, समझ नहीं आया. मुझे पता था, right? इसीलिए मैंने बोला हाथ ऊपर करके बताओ. Because ये हालांकि है बहुत easy question बेटा. देखो समझने की कोशिश करते, एक बार फिर से समझते हैं. बेटा आप इसमें ये समझिए कि देखो अगर ज्यादा समझने में दिक्कत हो ना तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो पिक्चर थोड़ा ज्यादा पूरा देखो तो छोटी छोटी कहानियां भी ठीक से ध्यान रहती हैं. ये एक ऐसे मैट्रिक्स की बात हो रही है वेयर यू हैव गॉट 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, राइट? A12, A13 और ये थोड़ी जगह कम पड़ गई, A14. ठीक है, एंड देन आपके पास A21, A22, A23, A24. ये क्या हो गया बेटा? A31, A32, A33 and A34. You have constructed the given matrix. जो given matrix है 3x4 का, ये आपने यहाँ पे इसको construct कर लिया, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं? R1 denotes the first row. ये तुम्हारा है R1 बेटा, ठीक है? ये तुम्हारा R1 है, this one. And C2 denotes the second column. This is your second column. इसको इन्होंने क्या नाम दिया? C2. तो पूछ रहे हैं what is the order of R1 and C2? भैया R1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं सलमान? ये चार एलिमेंट्स हैं कि नहीं? तो अगर R1 में सिर्फ चार हमारे पास एलिमेंट्स हैं और एक रो के अंदर हैं, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ R1? इट इज, इजंट इट 1x4? ठीक है, दैट इज ओके, कोई बात नहीं, आप दोनों तो एक ही हो मेरे लिए. और C2 की अगर मैं बात करूं तो C2 में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, राइट? और ये तीनों के तीनों एक ही कॉलम के अंदर हैं. तो व्हाट इज द, हमारे पास कॉलम एक है और रो कितने हो गए? 3 हो गए. हमेशा हम लोग रो पहले लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं. तो ये C2 की अगर मैं बात करूं तो C2 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3x1. इज इट ओके अभिषेक? यस सर. राइट, तो इस तरीके से आप इसको बड़े आसानी से कर सकते थे बच्चों. अब आप रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे आओ एक थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया है, आओ इसको भी कर लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन का रैंडमली ये थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये बहुत 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 पूरे एक्सरसाइज में सारे इजी क्वेश्चंस ही दे रखे हैं. कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स वेयर aij, हुज aij इज गिवन बाय दिस, राइट? अलग-अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे i+j दिया है, यहाँ पे 2i-j दिया है. चलो फोर्थ कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा थोड़ा सा देखने में बढ़िया सा लग रहा है, i+j होल स्क्वायर बाय 2. ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए, राइट? हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या होंगे? A11 और क्या होगा भाई?
A13। ये हमारे पास पहले रो में तीन कॉलम्स हैं। सिमिलरली A21, A22 और A23। ठीक है, ये सब टिपिकल स्कूल क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है, जो बड़े आसानी से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आई और जे की जगह पे 1 रखता हूँ तो 1+1 मेरे पास कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 by 2, यानी कि A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। A12, अब आई कितना है 1 और जे कितना है 2, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि ये कितना हो गया 9/2। A14 ये कितना हो गया बेटा, 4 का स्क्वायर है 16 by 2 इज व्हाट, 8, दैट इज 8। A21 अगेन ये कितना हो गया, 9/2। और A22 की बात करें तो ये हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर 16 का हमारे पास अगर हाफ कर दें तो ये हो गया 8। और अगर मैं A23 की बात करूं तो A23 जो है मेरे पास, दैट इज कमिंग आउट टू बी 525, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 25/2। तो मैं इसका फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा दैट A2 × 3 इज इक्वल टू 2, 9/2, 8, हियर आई गेट 9/2 अगेन, दिस इज 8 अगेन एंड दिस इज 25/2। आई होप इट इज अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। That is another easy question. Question number 5 में सारे question इसी टाइप के हैं। Modulus का मतलब मुझे उम्मीद है आप सब लोग जानते होंगे, right? यहाँ पे values कुछ भी आए आप उसको positive कर देना, कोई tension नहीं है। 7th में e^2ix दे रखा है, इसमें भी कोई ज्यादा टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। sin xj दे रखा है, बस कुछ नहीं, i के जगह पे 1, 2, 3, j के जगह पे 1, 2, 3, जो रो है जो कॉलम है एज इट इज पुट कर देना, यू ऑलवेज गेट द आंसर। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 इसी टाइप के हैं जो आपसे आसानी से हो जाएंगे। नाउ बिफोर आई साइन ऑफ फॉर टुडे, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ अ डिफरेंट टाइप जो हमने अभी तक नहीं किया है। लेट्स डू फॉर इक्वालिटी, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। वी वांट टू डू इट फॉर इक्वालिटी, क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं, फटाफट से करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD फ्रॉम द इक्वेशंस। अब इसमें देखो बेटा, हमने ये बात देखी थी कि इसका दो चीजें देखी थी ना इक्वालिटी में, व्हाट, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, चेक कर लो, यहाँ पे दो रो हैं दो कॉलम है, यहाँ भी दो रो हैं दो कॉलम है, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, दैट इज द फर्स्ट थिंग। देन ए माइनस 2b, इसको किससे इक्वेट करूंगा, -3 से। आगे क्या मिलेगा मुझे, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, एंड द नेक्स्ट थिंग इज 4c plus 3d is equal to 24. So we have 4 equations. First or second equation को अगर मैं solve करता हूँ मुझे a और b की value साफ साफ clearly दिख रही है, और अगर मैं third और fourth को करता हूँ तो मुझे किसकी value मिल रही है, c और d की value मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से a b c d की values निकालनी possible है, that is what they have asked. आइए कर लेते हैं, right? अब मेरा ये एक मानना है कि एलिमिनेट करना बहुत इजी होता है, इसलिए एलिमिनेट करना चाहिए। मुझे माइनस टू भी दिख रहा है, इसलिए मैं पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअली मैंने ट्वाइस ऑफ वन प्लस 2 मैंने ऐड किया है, तो ये कितना हो गया, 4a plus a, that is coming out to be 5a, plus 2b minus 2b is gone, and here we have what, we have 8 minus 3 which is 5. So you get the value of A is equal to 1. If I get A is equal to 1, can I get the value of B? Definitely yes. A is equal to 1 rakha, toh ye 2 ban gaya. Aur B ki value kitni aa gayi bachon? That is coming out to be 2 again. Theek hai? Toh is tarike se aapko A aur B ki value mil gayi. I am sure you can solve the other part. Right? That's a simple linear equation in 2 variables. So here I would like to stop, as most of you have another class. So let's meet tomorrow. Right? कल मिलते हैं, और देबोलिना एंड वन मोर गाय वाज देयर, आई डोंट नो, चलो दैट इज ओके। सो दोज पीपल जिन्होंने क्लास आज फर्स्ट टाइम अटेंड की है, दे कैन ऑलवेज गिव मी द फीडबैक, राइट, एंड होप टू सी यू टुमारो अगेन एट 3 o'clock, विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। और मैं ग्रुप पे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक दे दूंगा, अभी फिलहाल ये एक्सरसाइज ही कर लेना पूरा, काफी सारे क्वेश्चन हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी इजी, ओके। सो थैंक यू, see you in tomorrow's class. Anything from your side, children? Anyone has to say anything?